कौवे और उल्लू का युद्ध। राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंच में एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लुकराज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रु दल अपने ही घर में जल कर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज, कुशल क्षेम में तो सब हैं, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, बस यह समय बातें करने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहां आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। कौवे सब अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़पकर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघवर्ण वापस राज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटापन्न है, हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपस्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उल्लुकराज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष की बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यह समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाला गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। वयसराज मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं, नीचतम प्रवृत्ति के वह जो विघ्न भय से भी किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते, मध्यम वह हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं, किंतु उत्कृष्ट वही हैं जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। अपने मेरे शत्रुओं को मसूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म पालन किया, देव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देव अनुकूल ना हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, राज्य ऋण स्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मद में आकर अन्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। इसके बाद स्थिर जीवी की सहायता से मेघवर्ण बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें।